वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, ये कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में आया था। सन 2002 और 2003 में यह वायरस आया था, जिससे 700 लोग से भी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ये कोरोना वायरस लगभग सभी देशों में फैल चुका है, जैसे चीन, इटली, ब्राज़ील, स्पेन, यहाँ तक कि अमेरिका और भारत में भी फैल चुका है। तो कोरोना वायरस है, यह सबसे पहले ये 2019 के दिसंबर के पहले हफ्ते में चीन के वुहान शहर के सी फूड मार्केट में, जब एक डॉक्टर ली एलवियन की एक रिसर्च सेंटर थी, उसमें जब वो रिसर्च कर रहे थे, अपने माइक्रोस्कोप पे रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक अनोखा विचित्र ऑर्गेनिज्म दिखाई दिया जिनका नाम और कोरोना वायरस था। तभी वह सचेत हो गए थे इस कोरोना वायरस से। तभी वह अपने रीचैट नामक ऐप पे सभी रिश्तेदारों और अपने सभी डॉक्टरों को बता दिए। तभी चीन में यह सभी को बात पता चल गई। उसी वक्त फूड मार्केट से 7 लोग मरीज पहुंचे, जिसमें से उनके लक्षण थी सूखी खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना इत्यादि, ये सब होना। मतलब कि ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक वायरस था। इसी बीच यह पता चला कि सबसे पहले सचेत करवाने वाले व्यक्ति कोरोना वायरस से ये पीड़ित हो गए और इनकी मौत 7 फरवरी को मौत हो गई, जो कि 2:58 में रात में हो गई। मैं बता दूं, ये लगभग चीन में 3,000 से भी ज़्यादा लोग इससे मर चुके हैं और 86,000 से भी ज़्यादा लोग इससे संक्रमित है। यह वायरस सभी देशों में फैल चुका है। यह वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 10 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। क्यों लॉकडाउन लगाया है? क्योंकि ये कोरोना वायरस है, ये लोगों से फैलता है, ये हवा में बिल्कुल नहीं फैलता है, ये लोगों से फैलता है। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पूरे देश को लॉकडाउन कर चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप घड़ी में रहे। यह वायरस सभी देशों में फैल गया है, जैसे अमेरिका तो मेडिकल हिस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे आते हैं। क्यों आता है? क्यों नहीं अभी ये कोरोना वायरस का इलाज निकाल रहे हैं? जहाँ तक कि आपको पता होगा, ये कोरोना वायरस अमेरिका में तहल मचल दिला दिया है। यह वायरस लगभग अमेरिका में 2,00,000 से भी ज्यादा लोग इसमें संक्रमित है, लगभग इसे 5,000 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। भारत में इससे लगभग 75 लोग से भी ज्यादा लोग इससे मर गए हैं और इसमें लगभग 3,000 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित है। क्यों संक्रमित है? भारत तो 112 नंबर पे मेडिकल हिस्ट्री में आते हैं। ये कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता है जो चीन में अभी हालत है, हालत बहुत कम हुई है वहाँ पे। आपको जैसा कि पता होगा, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे खुल चुके हैं, यहाँ पे अभी तक नहीं खुले हैं। यहाँ पे एसेंशियल चीजें हैं, मतलब कि दुकानें, फूड की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, मिल्क की दुकानें, ये सब खुली हुई है इंडिया में। लेकिन चीन में तो पूरा काबू, अधिकतर वहाँ पे काबू पा लिया है। क्यों पा लिया है? क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा साइंस विकसित है कि वहाँ पे थोड़ा भी कुछ भी आता है वहाँ पे लोग सचेत हो जाते हैं। और इसके एक कारण है कि यह वायरस उन लोगों की सबसे ज्यादा सचाती है जो 60 साल से अधिक व्यक्ति हैं और 8 साल से कम बच्चे हैं, 8 साल के वर्ष के कम बच्चे, क्योंकि उनके रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी खाना होगा, जैसे आंवला खाना होगा, खट्टे पदार्थ खाने होंगे, आपको विटामिन सी बढ़ाना होगा। जो ये कोरोना वायरस होते हैं, इसका लक्षण होते हैं सूखी खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब कोरोना वायरस की लक्षण होती है। अगर आपको ये हो जाता है तो आप डॉक्टर से सचेत करवाएं, आप कोई बाहर व्यक्ति से ना मिले, आप घर में आइसोलेट कीजिए अपने। क्या आपको पता है इटली के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी यह कोरोना हो चुका है, क्योंकि वह अपने आप को अभी तक आइसोलेट किए हुए हैं, अपने रूम से कोई बाहर नहीं निकले हैं और कोई भी बाहरी व्यक्ति से मिले नहीं है, इसलिए इस कोरोना वायरस से संक्रमित है। कोरोना वायरस लगभग तमाम देशों में फैल चुका है, इसलिए मैं सचेत करवाना चाहता हूँ कि आपको घर के बाहर ना निकले। आप तब भी नहीं निकले जब आपको एसेंशियल बाहर जाना है, जब भी निकले घर के बाहर तो टिश्यू
मास्क ले ले, क्योंकि जब भी आपको छींक होती है, जब भी आप मास्क पहनते हैं, जो उसके अंदर वाले भाग होते हैं, उसका रबड़ होती है, उसी को पकड़िएगा। जब उसके अंदर वाले आप भाग को पकड़ लेते हैं तो वो तो पहले ही से गंदगी हो जाती है, क्योंकि होगा कि हमारे शरीर को नहीं छूना है, हमारे यहाँ तक कि जो ये फेस है इसको नहीं छूना है, हमारे नाक को, हमारे मुँह को नहीं छूना है, क्योंकि हाथ को जब तक नहीं धोते हैं नहीं छूए, क्योंकि यह कोरोना वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, यह लोगों के द्वारा फैलता है और यह वायरस बहुत तमाम देशों में फैला हुआ है, और यह सबसे ज्यादा इटली में तहलका मचाया हुआ है, स्पेन में तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि इटली में लगभग इससे 11,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, संक्रमित नहीं है इससे मारे गए हैं, और 1,00,000 से भी ज्यादा इससे संक्रमित है, और स्पेन में इससे 8,000 से भी ज्यादा लोग इससे मर चुके हैं, क्योंकि उससे संक्रमित लोग ठीक नहीं हुए हैं, वहां का अभी तक वहां पर मेडिकल हिस्ट्री तो सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन भारत में तो दिन पर दिन न्यू उछाल छा गया। पहले था, कुछ दिनों मैंने पहले देखा था, पेपर में पढ़ा था कि 1,000 था, अब आज हो गया 3,000 हो गए, 3,000 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित है, 75 आदमियों से भी इससे मौत हो गई है। इसे बता दूं, आप इसे हल्के में ना ले, आप घर के बाहर ना निकले, और आपको पता होगी कहीं आप 60 साल के उम्र वाले व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हो और 8 साल की कम वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, उससे आपकी विटामिन सी जरूर बढ़ेगी। भारत में ये कोरोना वायरस है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तबलीगी जमात। ये तबलीगी जमात के कारण 3,000 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित है। ये तबलीगी जमात के कारण ये भारत में और तहलका मचा दिया है। तबलीगी जमात के कारण ये 3,000 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, और ये भारत में कुछ स्टेट में भी तहलका मचा चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र में 50 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित है, और केरल में 200 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित है। पहले नंबर पे आते हैं महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आते हैं केरल, क्योंकि दोनों एकदम तहलका मचा चुके हैं, क्योंकि उसी में कोरोना वायरस एकदम फैल चुका है, और दिल्ली में भी यह कोरोना वायरस 100 से भी ज्यादा लोग इससे संक्रमित है, क्योंकि यह कोरोना वायरस चीन में इतनी जल्दी कैसे छूट गया। ये सबसे पहले इस पे काबू पाने वाले देश है सिंगापुर। सिंगापुर सबसे वहाँ पे कम जनसंख्या है, वहाँ पे पाली बहुत कम आदमी वहाँ पे मरे हैं, वहाँ पे राहत पाली है, सबसे पहले वही देश उस पे पाया है। और दूसरे नंबर पे आते हैं जापान। जापान में भी वहाँ पे एकदम पूरी सुधार हो चुकी है, उसमें जापान में पूरी एकदम पूरी सुधार हो चुकी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं चीन। चीन भी इस पे बहुत सुधार कर चुकी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि आप घर के बाहर बिल्कुल नहीं जुड़े। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप घर के बाहर ना निकले। इससे पहले यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो सभी पर मेरी वीडियो सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता चल गया, दूसरे व्यक्तियों को भी पता चलना चाहिए। इसलिए कहीं इस वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।